सो इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने वाले हैं, जिसका टाइटल है इमरान खान की कहानी, द स्टोरी ऑफ द स्किपर। स्किपर बोलते हैं इमरान खान को, एंड क्यों बोलते हैं, किस लिए बोलते हैं, वो आप भी कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। यस, ही इज़ अ स्किपर। इंटरेस्टिंग सी वीडियो लग रही है, पसंद आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक ज़रूर करते जाइएगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। 4 मई 2023। किसे मालूम था कि एक कम गोर अपने आप में ही मगन रहने वाला लड़का एक दिन पाकिस्तान के सबसे बड़े सियासतदानों को ललकारेगा। ये कहानी है पाकिस्तान के सबसे मशहूर लीडर इमरान खान की। इसके पास इमरान गिरे, चोट लगी, गोलियां भी खाई। 174 मेंबर्स हैव रिकॉर्डेड देयर वोट्स इन फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन। इमरान खान 25 नवंबर 1952 को लाहौर के एक अमीर घराने में पैदा हुए। इमरान खान के वालिद इकरामुल्लाह नियाज़ी एक सिविल इंजीनियर थे जो लाहौर के जमान पार्क में मुकीम थे। इमरान खान की वालदा का नाम शौकत खानम था, जिनके नाम पे बाद में इमरान खान ने स्टेट ऑफ द आर्ट शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर कायम किया। इमरान खान की फैमिली की हिस्ट्री भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इमरान खान के वालिद का ताल्लुक पश्तून कबीले नियाज़ी से है, जो अरसा दराज से मियाँवाली में आबाद है। नियाज़ी कबीले की मशहूर शख्सियत में से एक हैबत खान नियाज़ी हैं, जो 16वीं सदी में शेरशाह सूरी के जर्नैल थे। इमरान खान की वालदा शौकत खानम का ताल्लुक पश्तून कबीले बरकी से था, जो 16वीं सदी तक अफगानिस्तान में आबाद था, मगर फिर एक कहत की वजह से बरकी कबीले के चंद खानदान इंडिया के शहर जलंधर हिजरत कर गए, और 1947 में पार्टीशन के बाद बरकी कबीले के तमाम लोग, जिनमें इमरान खान की वालदा भी शामिल थी, जलंधर से लाहौर आ गए। लाहौर में ये तमाम लोग इमरान खान के नाना के भाई खान जमान खान के घर में रहे, मगर जब आसपास के घरों को हिंदुओं ने खाली कर दिया तो वो यहीं मुकीम हो गए। जमान खान जमान की नस्बत से ही ये इलाका आज जमान पार्क कहलाता है, और पिछले 80 सालों से बरकी ख़ानदान के ज़्यादातर लोग जमान पार्क के इलाके ही में मुकीम हैं। इमरान खान 1952 में यहीं पैदा हुए और अपना सारा बचपन यहीं गुजारा। इमरान खान ने अपनी इब्तदाई तलीम एचिसन कॉलेज और कैथीड्रल स्कूल लाहौर से हासिल की। फिर आला तलीम के लिए इमरान खान इंग्लैंड रवाना हो गए और रॉयल ग्रामर स्कूल वॉरसेस्टर में ज़ेर तालीम रहे। अगरचे इमरान खान क्रिकेट का बकायदा लाहौर से कर चुके थे, मगर एक टैलेंटेड क्रिकेटर के तौर पर शोहरत इन्हें इंग्लैंड में क्याम के दौरान मिली। 1972 में इमरान खान ने इंग्लैंड की मशहूर दरसगाह यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में दाखिला लिया। यहाँ उन्होंने फिलासफ़ी, पॉलिटिक्स और इकनॉमिक्स का मुताला किया। 1975 में उनका बैचलर्स मुकम्मल हो गया। इस दौरान इमरान खान ने अपनी प्रोफेशनल क्रिकेट को जारी रखा और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड की क्रिकेट टीम के कैप्टन रहे। ग्रेजुएशन के बाद इमरान खान 1976 में पाकिस्तान वापस आ गए और बाकायदा तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ज्वाइन कर लिया, और यहाँ से फिर वो एक अजीम क्रिकेटर बनने के सफ़र पर गामजन हो गए। इमरान खान ने अपनी शोहरत एक बेहतरीन ऑलराउंडर के तौर पर पाई, और अपने लीडरशिप स्किल्स की वजह से वो 1982 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन बने। इमरान खान रिवर्स स्विंग के पायनियर्स में से एक हैं। उन्होंने ये स्किल अपने जूनियर्स वसीम अकरम और वकार यूनस को भी सिखाया, जो आने वाले सालों में दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स बने। इमरान खान की शोहरत बुलंदियों को तब पहुंची जब वो 1992 में क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाते बने। वर्ल्ड कप जीतने के बाद ही इमरान खान ने क्रिकेट को खैरबाद कह दिया। आमतौर पर क्रिकेटर्स रिटायरमेंट के बाद कमेंटेटर या कोचेस बनते हैं, मगर पाकिस्तान का ये क्रिकेटिंग सुपरस्टार एक कठिन राह को चुनने जा रहा था। 1991 में इमरान खान ने शौकत खानम मेमोरियल ट्रस्ट कायम किया। इमरान खान की वालदा कैंसर की वजह से 1985 में वफात पा गई थी। कैंसर पेशेंट्स के दर्द को देखते हुए इमरान खान ने पाकिस्तान के पहले और वाहिद कैंसर हॉस्पिटल के लिए दुनिया भर से फंड रेजिंग स्टार्ट कर दी और $25 मिलियन जमा किए, और इस तरह 1994 में पाकिस्तान का पहला कैंसर हॉस्पिटल शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल के नाम से कायम हुआ। इमरान खान को अपने क्रिकेटिंग कैरियर के दौरान ही कई बार सियासी पोजीशंस ऑफर की गई, मगर इमरान खान ने इनसे इनकार कर दिया। यहाँ तक कि इमरान खान के सबसे बड़े सियासी हलीफ नवाज शरीफ ने भी इन्हें PMLN ज्वाइन करने की ऑफर की थी, जिसे इमरान खान ने रद्द कर दिया। ऑफर्ड हिम लॉन्ग टाइम अगो बट ही डिक्लाइंड, आई डोंट नो व्हाई, सेंसिबल, माय ऑफर इज स्टिल वैलिड। मगर मुल्क में बढ़ती हुई करप्शन और दौलत पर एलीट क्लास के कैप्चर ने इमरान खान को फोर्स किया कि वो पॉलिटिक्स में एंटर हों। 25 अप्रैल 1996 को इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी। इमरान खान ने 1997 के इलेक्शन में हिस्सा लिया और NA53 मियांवाली और NA94 लाहौर से इलेक्शन लड़ा, मगर दोनों हलकों में नाकाम रहे। अक्टूबर 2002 में जनरल मुशर्रफ के ज़ेर असर होने वाले इलेक्शन में इमरान खान पहली दफ़ा मियांवाली से इलेक्ट हुए। मुशर्रफ की डिक्टेटरशिप के दौरान इमरान खान ज़्यादातर फलाही और सियासी सरगर्मियों में मसरूफ रहे। 2 अक्टूबर 2007 को इमरान खान ने ऑल पार्टीज डेमोक्रेटिक मूवमेंट को ज्वाइन किया और 85 MPs के साथ पार्लियामेंट से रिज़ाइन कर दिया।
इसका मकसद 6 अक्टूबर 2007 को मुशर्रफ की सरकर्दगी में होने वाले इलेक्शन बॉयकाट करना था। पीटीआई ने 2008 के जनरल इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। 2007 के बाद इमरान खान के पॉलिटिकल एजेंडा में मेनली तीन चीज़ें शामिल थीं, मरोसी सियासत की मुखालफत, करप्शन का खात्मा और अमरीकी ड्रोन हमलों की मजम्मत। इमरान खान ने अपने इस पॉलिटिकल नरेटिव को हर प्लेटफॉर्म पर बयान किया और 2011 तक कई इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन इमरान खान को पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर प्रिडिक्ट कर रही थीं। इनमें काबिल जिक्र पोल 2011 का प्यू रिसर्च सर्वे है, जिसके तहत इमरान खान 68% रेटिंग के साथ पाकिस्तान के सबसे पसंदीदा लीडर थे। और आखिरकार इमरान खान की बढ़ती हुई शोहरत का असल मुजाहरा 30 अक्टूबर 2011 को मीनार पाकिस्तान में हुआ। 100,000 से ज़्यादा पीटीआई सपोर्टर से सजे मीनार पाकिस्तान ग्राउंड ने ईवानों को हिला कर रख दिया और अब पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इमरान खान को सीरियस लेने लगीं। इसका नतीजा इमरान खान को 2013 के इलेक्शन में काबिल फ़ख्र परफॉर्मेंस से मिला। 1 सीट से 33 सीट्स का सफ़र तय करने में 17 साल लगे। अगरचे 2013 के इलेक्शन में PMLN अपनी गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हो गई, मगर इमरान खान ने सियासी मैदान को खाली नहीं छोड़ा। 2014 में इमरान खान ने 126 दिन लंबा धरना दिया, जिससे उनकी पॉपुलरिटी में बेइंतहा इजाफा हुआ। 28 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को पनामा पेपर्स के केस में ताहयात नहल कर दिया और इस तरह इमरान खान के एंटी करप्शन नरेटिव को मजीद तकवीत मिली। 2013 से 2018 के दौरान इमरान खान ने अपने पॉलिटिकल नज़रिए को धरनों और जलसों के जरिए शहर शहर पहुँचाया और फाइनली 18 अगस्त 2018 को वो पाकिस्तान के 22वें वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। 10 अप्रैल 2002 की शब 12:02 पर इमरान खान को एक बड़े पॉलिटिकल ड्रामा के बाद नो कॉन्फिडेंस मोशन अदम एतमाद के जरिए वज़ीर आज़म की पोजीशन से हटा दिया गया। अगस्त 2018 से अप्रैल 2022 तक के इमरान खान टेन्योर में मुल्की हालात में कुछ खातिर खा तब्दीली ना आई, जिसकी वजह इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट का इनके इख्तियार को महदूद करना बताते हैं। अदम एतमाद के बाद इमरान खान दोबारा आवाम के बीच आ गए और फिर से अमेरिका की पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स में मुदाखलत के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर दी। बहुत से नाकिदीन की एक्सपेक्टेशन से बरअक्स ये नैरेटिव फिर से आवाम में शोहरत पाने लगा। फरवरी 2023 में शाया होने वाली गैलप की पब्लिक पल्स रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान 61% रेटिंग के साथ अब भी पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर हैं। इमरान खान की पॉपुलैरिटी पर कोई शक नहीं है, मैं भी देख चुका हूँ, कई सारे सर्वेज मेरे सामने भी आ चुके हैं, वीडियोज़ आ चुकी हैं कि इमरान खान सबसे पॉपुलर लीडर हैं करेंटली। 61% पर हैं, 36% नवाज़ शरीफ दूसरे नंबर पर माने जाते हैं। वैसे ज़्यादातर लोग नवाज़ शरीफ का ही नाम लेते हैं इमरान खान के अलावा। तो ये एक स्टोरी थी कैसे कैसे वो इंडिया पाकिस्तान से इंडिया से होते हुए पाकिस्तान गए, मतलब उनके जो दादा परदादा थे, उनके फादर थे, तो किस तरीके से वो किस कबीले से बिलोंग करते हैं। ये कहानी मैं एक दो बार सुन चुका हूँ उनकी पुरानी लाइफ के बारे में, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उन्हें ऑफ़र मिला हुआ था। मेरे लिए नई चीज़ें इसमें ये थी कि उन्हें ऑफ़र मिला था PMLN की तरफ से, नवाज़ शरीफ के खुद उनकी तरफ से ऑफ़र दिया गया था कि यार ज्वाइन कर लो पॉलिटिक्स, लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं की और अपने क्रिकेट के करियर में उन्होंने पॉलिटिक्स को घुसेड़ा नहीं, ज़बरदस्ती उसको लाने की कोशिश नहीं की। जब क्रिकेट ख़त्म हो गया, उनका करियर हो गया पूरा, उसके बाद उन्होंने कोशिश की, मतलब एक सक्सेसफुल लाइफ जीते आ रहे थे, कोशिशें मेहनत करते हुए आ रहे थे। आई थिंक क्रिकेट के टाइम पर वो इन्जॉय कर रहे थे लाइफ को मज़े से, उसके बाद सीरियस हो गए कि मुझे अब कुछ करना है तो पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा और पॉलिटिक्स में आकर लोगों का भला करेंगे, जैसे कि वही पॉइंट थे ड्रोन अटैक वगैरह एंड जो रिजीम चेंज हो गया, जो इमरान खान को हटा दिया गया, अब दोबारा आ पाएंगे या नहीं, ये एक सवाल बन गया है पब्लिक के दिल में। जो उनके सपोर्टर हैं, जो उनको चाहते हैं, 61% से शायद और ज़्यादा हो गए हों या थोड़े कम हो गए हों, क्योंकि ये सीन बहुत गंदा चल गया है, यहाँ आकर असली पॉलिटिक्स हुई है। जो सबसे बुरा दौर है इनके करियर का, आई थिंक यही है जो आजकल चल रहा है। तो ये स्टोरी थी, इंटरेस्टिंग स्टोरी थी इमरान खान की। अभी क्या होगा उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड करते हैं वीडियो को, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।